क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या तो ये भी काफ़ी है जी, ये मतलब जोहड़ का मेन निकाल है यहाँ पे, मतलब आते जाते हैं पशु, आपको देख रहे हैं गसावी गांव है, इधर से सीधे पशु आते हैं, और हम अब रास्ता देख रहे हो यहाँ पे, अभी तक मतलब उधर में जो मेन रास्ता है ना हमारा कोई काम नहीं हुआ जी। ये कुआ है इधर में, पीने का पानी इसी से लेते हैं, जो सारा गाँव है, सारा गाँव इसी से पानी पीता है। इसका भी रास्ता आप देख रहे हो, देखो इधर तमाम टूटा रास्ता भी नहीं है, डंडा भी टूटा हुआ है, और जो ये सैगल फाउंडेशन ने ये बनवाया था इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ हमारे गांव के लिए, एक दिन भी इससे मतलब कोई उपयोग में नहीं लाया, प्रयोग में नहीं आया ये। और बाकी ये है जो अब ये रास्ता आप देख रहे हो, इसका मतलब किसी ने कोई इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, नहीं कोई सरपंच ध्यान दिया, कोई काम भी नहीं हो रहा हमारा, उधर में वो रास्ता है वो भी नहीं हुआ, ये मेन निकाल है सर। अच्छा, क्या बोलता है सरपंच? सरपंच कुछ ना बोले, सरपंच तो कहाँ बोलते हैं। नहीं, जब वो इसके अंतर्गत आता है, सरपंच के बजट के अंतर्गत आता है, इस रास्ते को बनवाने की बोलते हैं, तो आप क्या बोलता है? नहीं, वो तो यही बोलता है कि इस्टीमेट लगा रखो, मैंने भाई पता ना अल्लाह पता, हमने तब तक इस्टीमेट देखो ना कहा इस्टीमेट बात उन्हों कुछ ना, वैसे ही रास्ता ही ना बन रहा, कोई बात लगावे ज़्यादा जी। अच्छा, हाँ कोई बात ना है, बात अकल। अच्छा, बजट आता है बट विकास नहीं कराता। हाँ, जो काम करना को जी वो तो ना हो, मतलब जंगल में कूद जावे, हैदराबाद में जंगल में दगड़ी बन रहे हैं, वही जो गाँव को ही ना ये ना बना। ये क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम महेंद्र लाल जी कुछ हो रहा हो, महेंद्र सरपंच। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है जी, विकास नहीं हो रहा ना, बिल्कुल ना हो रहा, दिख रहा हो जी अपन कितने विकास हुए पड़ो। अच्छा, हाँ बिल्कुल ना हो रहा जी, कोई नहीं सुनता आपकी? ना कोई ना सुन, मैं अंदर सरपंच बाद विदेश में जावे तो घूमन लू, मोदी के साथ मुकाबला कर रहा जी वो तो एक टाइम। अच्छा, विदेश घूमता है? विदेश घूमे मोदी के साथ। अच्छा, हाँ कहाँ कहाँ जाता है? रे वो तो हर तीसरे दिन चंडीगढ़ खड़ रहे, कदन कल्लूर जा रहा, आज जयपुर जा रहा, पता ना जी कहाँ जावे जाना। हाँ, और जो मैं काम गामन को उन्हें तो देखना रहो, दगड़ी नरेगा के थ्रू काम करवा, जैसे भी रात चलवा दिया। अच्छा, दगड़ी ने भरवा रहो, मौज दे रहो बस। अच्छा, मनरेगा से काम कराया? हाँ। कितने जॉब कार्ड बनवाए? रे बुत्तर बनवा रखा जिन बेचारा नहीं पता ना हमारा जॉब कार्ड बन रहो। अच्छा, हाँ। अच्छा, जॉब कार्ड गरीब लोगों के बनवा दिए, मजदूरों के? हाँ। और उनमें जो पैसा आता है उन्हें कुछ मालूम ही ना है, उन्हें कुछ मालूम ही ना, हमारा जॉब कार्ड बनो पड़ो। अच्छा, जैसे भी चलवाता है? हाँ, जैसे भी बन रहा है सारी दगड़ी, कौन खोद रहा पट्टा ने। अच्छा, मनरेगा का जो कार्य है वो जेसीबी मशीन से करवाया जाता है? हाँ, मशीन से हो रहा है। अच्छा, कितने दिनों से हो रहा है? चार साल होने जा रही है सरपंच। हाँ। कितने जॉब कार्ड धारक होंगे भाई? जो हुए कहते का 100-200 तो 100-200 500। अच्छा, गबन हो रहा है सीधा सीधा? गबन तो दिख रहा जी रास्ता की बेट छोड़ दिया, हम ऐसा समझ कोई जान भर बिना उतरे हमें, हम ढोर पशु तो जब उतरंगे हमें, और नू मैन उनको लेडीज उनको निकाल मैन कुआ है, हम गरीब आदमी पीरा धीन तो कुंडा बना रखा हम घर पति, जो गरीब चरण ना 30,000 बन रहा कुंडा। अच्छा, जो मनरेगा की योजना गरीबों के लिए लागू की थी सरकार ने, इसका दुरुपयोग करा सरपंच? कोई फायदा ना हो रहा, गरीबन धीन हो रहा है, और गरीबन कुंडा भी ना पड़ रहा, जो सरकार थ्रू कुंडा बन रहा हूँ वो कुंडा उनको नंबर ना पड़ रहा, उनमें धींगन को काम हो रहा है। अच्छा, सरपंच है जूत को जब जूत है जब मजबूत वहाँ को सरपंच है, गरीबन कोई ध्यान ना दे रहा सरपंच। गरीबों का हक को पूरे तरीके से खाया जाए ना, अभी खा ही रहा जी सर, में बात में खरा जाए गांव से कहा है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं लगे उसके खिलाफ? शिकायत लगी पड़ी है, लगी पड़ी है जी। अच्छा, आईटीआई के माध्यम से आपने सूचना मांगी है? मांगी, बताइए क्या बोल रहे थे? मांगी? हाँ, गांव के लड़के ने एक ने लगा रखा है आरटीआई उसके खिलाफ, उसको वो वीडियो वहीं दबा देता है ब्लॉक में ही, आगे कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, उसने चंडीगढ़ भी पहुंचा रखी है उस लड़के ने, उसके ऊपर तो ये जॉब कार्ड के भी वो लगा रखा है, मतलब है उनका भी उसने हिसाब मांग रखा, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। अच्छा, तो यहाँ है ब्लॉक लेवल तक के जो ऑफिसर्स हैं उसमें मिले हुए सारे। अच्छा, गबन हो रहा है पंचायत में? हाँ, मिलके ही काम हो रहा है सारा, ऊपर सुर नीचे तक सारे खावाड़ बैठे, भ्रष्टाचार हो रहा है सीधा सट, ये है मामला। अगर ऊपर के आदमी नहीं मिलेंगे तो भ्रष्टाचार सरपंच कैसे कर पाएगा? ऊपर के मिलते हैं तभी तो सर भ्रष्टाचार हो पाता है, अगर ऊपर के बंदे नहीं मिल पाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा सरपंच। अच्छा, फर्जी जॉब कार्ड भी बन रहे कुछ? अरे फर्जी वर्जी सारो फर्जी हो रो जी, इनसे सजेस्ट काम है, मतलब जो मेन काम है वो ना हो रहा, मतलब वैसे ही हो रो जी। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो ग्राम पंचायत में जो मनरेगा के तहत जो विकास कार्य सही तरीके से होने थे वो विकास कार्य नहीं हो पाए,
और पूरे तरीके से यहाँ गबन हो रहा है और यहाँ ब्लॉक लेवल तक के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। जलालपुर ग्राम पंचायत की जनता का एक बड़ा आरोप है, इनका कहना है कि जो मनरेगा के तहत विकास कार्य होने थे उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और पूरे तरीके से इसमें गबन किया जा रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं, इनका कहना है एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचने का अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब नहीं दिया गया और उसको वहीं रफा दफा करने की कोशिश की गई। ये ग्राम पंचायत जलालपुर के लोगों का आरोप है, इनका कहना है कि यहाँ के सरपंच ने पूरे तरीके से गबन किया है और सरकारी कर्मचारियों के साथ इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है और यहाँ विकास नहीं विनाश हो रहा है, ऐसा कहना है। हम आपको लगातार DT News के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।